बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। एनडीए की नई सरकार को समर्थन में 130 वोट मिले, जबकि विरोध में महागठबंधन के लिए भी एक भी विधायक ने मतदान नहीं किया। विश्वास प्रस्ताव से पहले ही महागठबंधन ने सदन से वॉकआउट किया और बाहर चले गए। एनडीए की नई सरकार ने बड़ी आसानी से अपनी पहली अग्नि परीक्षा पास कर ली। दरअसल जब सदन में नीतीश कुमार बोल रहे थे तभी महागठबंधन ने वॉकआउट कर दिया। सीएम ने तेजस्वी यादव को बैठने का आग्रह भी किया लेकिन तेजस्वी यादव नहीं माने। नहीं बैठ जाइए प्लीज आप जो मेरे एक मिनट हम आग्रह करेंगे। नीतीश कुमार के संबोधन के बाद डिप्टी स्पीकर महेश्वर हजारी ने ध्वनि मत से विश्वास प्रस्ताव को पास करा दिया। माननीय सदस्यगण, प्रश्न यह है कि यह सभा वर्तमान राज्य मंत्रिपरिषद में विश्वास करती है? जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वह हां कहे, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। लेकिन तभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खड़े हुए और डिप्टी स्पीकर से वोट कराने का आग्रह किया। उपाध्यक्ष महोदय, अनुरोध हम यही करेंगे कि सदन से अनुरोध करता हूं कि हमारे प्रस्ताव के पक्ष में मत देकर सरकार के प्रति अपना विश्वास व्यक्त करते मत लीजिए। ध्वनि मत के बाद वोटों की गिनती शुरू हुई। दरअसल एनडीए सरकार को 128 विधायकों का समर्थन था लेकिन वोट पड़े 129, वहीं डिप्टी स्पीकर को लेकर आंकड़ा 130 हो जाता है। इसमें आरजेडी के 3 विधायक चेतन आनंद, प्रहलाद यादव और नीलम देवी ने नीतीश कुमार का समर्थन किया। इससे पहले स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान एनडीए को 125 विधायकों का समर्थन मिला। नीतीश सरकार विश्वास मत हासिल कर चुकी है और विपक्ष के खेला के दावों की हवा भी निकल चुकी है। जी मीडिया के लिए स्वप्निल, रजनीश और रुपेंद्र की रिपोर्ट।